गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं। आज हमने यहाँ पे स्टे किया था। यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, किसी तरह की कोई आबादी नहीं है। हमने यहाँ पे स्टे किया था, ये हमारी गाड़ी है और यहाँ पे हमने टेंट लगाए हुए थे। यहाँ पे बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ और किसी भी तरह की कोई आबादी नहीं, कोई पेड़ पौधे कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ ही नज़र आते हैं। रात को हमने यहाँ पे स्टे किया था, ये तकरीबन काजा से 10 किलोमीटर पहले ये वैली है, बहुत ही सुंदर वैली है। और ये देखिए इस वैली का नज़ारा, बहुत ही, ये हमारी थार है। यहाँ पे हमने टेंट लगाए थे रात को, थोड़ा लेट हो गए थे, वो वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन ये हमारे दो टेंट थे, एक में हमने खाना बनाया और एक में हम यहाँ पे रात को सो रहे थे यहाँ पे। और ये टेंट, खूबसूरत वादियों में आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की सुबह काजा में हुई, बहुत ही पीसफुल एरिया, हालांकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी ठंड है कि पानी भी जम रहा है यहाँ पे। अभी हम ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे और फिर निकलेंगे काजा। फिर ये हमारा बिस्तरा रेडी है और ये हमारा बिस्तरा रेडी, इस तरफ हमारा बिस्तरा गया और ये हमारा टेंट, ये हमारी थार। और आपको अंदर लेकर चलता हूँ अपनी किचन में। ये हमारा सैलेड, ये तड़के का सामान और ये हमारी हांडी, जिसे हम देसी भाषा में इसे चिरोटी बोलते हैं, ये हमारे किचन का सामान। और ये हांडी जो होती है चिरोटी, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो इसमें 100% रहती है। जैसे भी आप जो भी जितने अपने ये हो गए आपके एल्युमिनियम के बर्तन हो गए, उसमें वो 60% जो है वो 60% आती है न्यूट्रिशन वैल्यू। लेकिन जो ये तांबे के और ये जो हमारे बर्तन होते हैं, इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है खाने की, फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू, वो 100% रहती है। और जितने भी स्टील के बर्तन हैं, एल्युमिनियम के हैं, इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा 60-70% रहती है। और जो हमारे ये हमारी जो ये पीतल की चरोटी जो होती है, इसमें 100% न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है। हम तो हमेशा प्रेफर, इसमें थोड़ा खाना जो है वो स्लो बनता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे बनता है कंपैरिजन कुकर के, बट ये इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड बनता है। हमारा जो है वो सुबह का नाश्ते में दूध, मैं दूध के साथ जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, दूध के साथ जलेबी बहुत ही टेस्टी। ब्रेकफास्ट हमारा ये, और हमारा साथ में हमने लंच भी तैयार कर लिया, क्योंकि रास्ते में अब हम एक बार चलेंगे यहाँ से तो बार बार गाड़ी नहीं रोक सकते। तो साथ में हमारे जो है ये राजमा तैयार हो रहे हैं, राजमा बनाकर हम गाड़ी में कैरी कर लेंगे आज हम। हम पहुंच गए हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट
गांव में से एक काम है ये किबर, ये सबसे हाइट में ये गांव है। ये अपने सेगमेंट की दो धुरंधर कारें गुरखा और थार ये खड़ी हैं यहाँ पे। किबर गांव बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ही सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य ये है किबर, किबर वैली। ये सारी ही बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे किबर गांव में। यहाँ पे मैक्सिमम हाउसेस जो हैं वो सारे ही मड हाउस हैं। यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं और जितने भी अपने रेस्टोरेंट हैं वो सारे के सारे मड हाउस ही हैं। यहाँ पे ये जा रही है हमारी स्विफ्ट, बट ला रहे हैं लोग स्विफ्ट भी ले जाते हैं, लेकिन अगर आप भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो एसयूवी गाड़ी ही प्रेफर करें। यहाँ पे पहाड़ों की रानी अल्टो भी खड़ी है आगे। किबर गांव के रोड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़, ये मतलब कच्चे रास्ते हैं, तो यहाँ पे छोटी गाड़ी जो है वो इतनी कामयाब नहीं रहती, काफ़ी टाइम काफ़ी जगह ये नीचे लग जाती हैं। और ये है किबर गांव, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी वैली किबर गांव की। इसके बाद हम जा रहे हैं चीचम, वहाँ पे चीचम का दृश्य दिखाएंगे आपको। ये है किबर गांव, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, दुनिया के वर्ल्ड के हाईएस्ट गांव में से एक गांव है ये। इन गांव के इनकम सोर्सेज जो है, यहाँ पे कोई ख़ास फल सेब वगैरह कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है कोई यहाँ पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है। 6 महीने पूरी यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा कम है, थोड़ा सा चलने पे सांस फूलती है यहाँ पे। और जो मतलब सांस के से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम हो वो तो यहाँ पे आना थोड़ा अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सांस लेने में दिक्कत आती है, ऑक्सीजन की थोड़ी है कमी यहाँ पे। इन लोगों का इनकम सोर्सेज जो है वो टोटल ही टूरिस्ट का है। यहाँ पे फल सब्जियाँ नहीं होती, नाम मात्र से यहाँ पे मटर होता है, ये मटर है, लेकिन 6 महीने ये पूरी बर्फ़ रहती है। तब इन लोगों का कोई इनकम सोर्सेज जो है सिर्फ टूरिस्ट के ज़रिए ही इनका इनकम सोर्सेज है। ये सारे ही जो हाउसेज हैं, ये होटल्स हैं, ये सारे ही होम स्टे होटल्स हैं। इन लोगों ने घरों में ही होम स्टे बना रखे हैं, घरों में ही होटल्स हैं ये। अगर आप भी यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। You got to make it.